रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर आप है मेरे यानी बासुरी के साथ और शुरू हो चुका है शनिवार रात। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ बासुरी। और कैसे हैं आप? कैसा गया आपका पिछला हफ्ता? और आपकी तैयारी शैयारी जोरों पर चल रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि रेडियो उड़ान लेकर आया है आपके लिए आरजे हंट। जी हाँ, जहां पर आपको भेजना है अपना 2 मिनट्स का ऑडियो क्लिप। हमें पता है ना आपको, www.radiouran.com पर जाकर, हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाकर आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमें अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं और फिर क्या पता आप और मैं दोनों ही इस शो को होस्ट कर रहे हो। लेकिन अभी मैं चालू करती हूँ अपना प्रोग्राम। आ गया है ये सैटरडे नाइट, जहां पर चलाती हूँ मैं आपके लिए कुछ ऐसे गाने जो आपको कर देते हैं थिरकने पर मजबूर। इसलिए अभी मैं अपने सारे शब्दों पर फुल स्टॉप लगा देती हूँ और गाना चालू करती हूँ। सुनते रहे रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ।
खड़ता जा तू नेड़े आ बई एदा ना तू गेड़े खाओ कर तू इनी डिस्परेट सानू दस दे की है रेट खर्जा पहला साता लैला मर जानी पौंदी भंगड़ा अंग्रेजी वीड दे
रही है कली डीजे वाले की जान खा रखी है भाई है ये चली क्या क्या गटक रही है भाई मेरे समझ से है ये पार पागल कर रहे जा रही है लंदन की गली गली जैसे नाच रही है लगता है जोर तोड़ के मानेगी सारे गोरे गुराफरों को ये जोड़ के मानेगी मेरी बात तो करवाओ इसको पास मेरे ले आओ ये तो तुमको से ही मेरे दिल को फोड़ के मानेगी बेबी नची 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 जादू नची 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 जादू नची 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 जादू नची 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 जादू
रानी मेरे साथ माल फूक फूक ले, थामू तेरी कमर धुएं के फिर घोट ले, सांसों से चढ़ेगी तू कश तो लगा ले, अरे दम बोले दम का हम मजा लूट ले, चंदन ये बदन मत कर तू जतन, हम दम मेरे संग डोरी में तू पतंग, दम दम बम बम खींच मेरे हम दम, दम का बम खींचेगी तू भूलेगी तू सारे गम, दम दम बम बम खींच मेरे हम दम, दम का बम खींचेगी तू भूलेगी तू सारे गम, दम दम बम बम खींच मेरे हम दम, दम का बम खींचेगी तू भूलेगी तू सारे गम, दम दम बम बम खींच मेरे हम दम, दम का बम खींचेगी तू भूलेगी तू पर मैं हूँ आपके साथ बांसुरी और कैसी जा रही है आपकी ये शाम हमें जरूर बताएं radiouran@gmail.com पर, नहीं तो हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को एकदम खंगाल लो और वहां पर जाकर हमें मैसेज ड्रॉप कर दो। अगर आपको मेरे या किसी भी शो को लेकर फीडबैक देना है तो आप वहां पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए आज की शाम को आगे थोड़ा सा और धक्का लगाते हैं और बज जाते हैं एक ऐसा नंबर जो आपको शायद ही मतलब बैठे रहने दे, इसलिए सारी बेशर्मी भूल के ना सिर्फ और सिर्फ इस गाने पर नाच दो एक बारी।
सही है सही है। बाकी सारी फेक लगे देख तुझको ब्रेक लगे दूर दूर से ठीक है रानी पास आऊं तो सेक लगे पारा इतना हाय हुआ कि थर्मामीटर टूट गया सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया कैसी गुंडागर्दी है बंदी तू बेदर्दी है सर्दी में भी कर दी है वैसे भी कोई जल्दी ने मुझको बचपन से ही मलेट कमर मिलियन में तू बेबी एक हेल्थी कमर जैसे सनेक तेरी सुंदरता पे लिख दू बेबी दो फुट लंबा लेख कर दू सौ बात की एक लेगी मुझको तू माथा टेक गर्मी कहते हैं किसको तो मुझको गले लगा के देख देख परे दिल क्यों मेरा ब्रेक करे लाल ड्रेस में रानी बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लगे तेरे जैसे जाने कितनों के दिल चकना चूर हुए मेरे पीछे मर के आशिक कितने ही मशहूर हुए कैसी गुंडागर्दी है सर्दी में भी कर दी है हाय गर्मी मेरी जान आज निकालूंगा तेरे प्राण तीर लगेगा निशान पे जाके करूंगा मैं वैसे आज शर्म का पर्दा हटा के रखूंगा मैं तुझे पटरानी बना के मजा उठा ले बेबी आज रात का बल्ब जगा के 08 का I'm not afraid to die.
Let me in, girl, don't play games. It's no fun when you mess it with my brain. I came cause you called me too. High shame, don't scar me, ooh. No one knows, it's our secret. Close doors, baby, let's get freaky. So much pressure, it's hard to consume. When I get you, I'ma send you straight to the moon. Kundi mat karta aur aaj seedha andar aao. आपके साथ बांसुरी और वीकेंड का मतलब वीक का दी एंड, मतलब सप्ताह अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और जो कुछ भी खत्म होने वाला होता है उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको फुल टोल एंजॉय करें। इसी वजह से लेकर आती हूं मैं आपके लिए शो जहां पर बजते हैं कुछ ऐसे गाने जो आपको कर देते हैं थिरकने पर मजबूर और आपका वीकेंड कर देते हैं कंप्लीटली सफल। तो इसीलिए अभी जो अगला गाना चलाऊंगी ना उसको सुनकर तो आपको कुछ नहीं करना, मतलब एकदम अपनी सोच को अपने दिमाग को ना बंद कर देना है और सिर्फ इस गाने को ना ध्यान से सुनना है और खाली सुनना नहीं है नाचना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये गाना। मम्मी 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 पता लगा मेरे डैडी नू वे बचदा नहीं तू मैं दस तेनू तेरा तिकंद टप के तू आई मन वे तेरा तिकंद टप के तू आई मन वे मम्मी
साज तेरे मेरे दिल विच लौड वजदा टुंग टुंग है टुंग टुंग आज तेरे मेरे दिल विच लौड वजदा टुंग टुंग है टुंग टुंग आज टुंग टुंग बज टुंग टुंग बज टंग 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 टरारा टुंग टुंग बज टुंग टुंग बज टंग 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 टरारा टुंग टुंग दा साउंड करदा टुंग टुंग दा साउंड करदा टुंग टुंग दा साज तेरे मेरे दिल विच लौड वजदा के साथ बांसुरी और समय आ चुका है जहां पर मैं शुरुआत करती हूं मेरे सेगमेंट गाने अनजाने का, जहां पर आप सुनते हैं कुछ ऐसे गाने जिनको आपने दिया होता है भूल, लेकिन मैं आपको दिलाती हूं उनकी याद। तो आज इस हफ्ते जो गाना मैं चलाऊंगी वो गाना ना बहुत ही ज्यादा फेमस था, पॉपुलर था, और हम शायद ही ऐसा होगा कि किसी ने ये गाना नहीं सुना होगा। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, नए नए गाने बनते गए, सुनते गए और फिर उन पे ही थिरकते रहे और इन गानों को हम भूल गए, मतलब ये हमारे बचपन का हिस्सा है लेकिन अभी वो यादें धुंधली हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं आपकी जिंदगी में जो आपको वापस से दिलाऊंगी उन सभी गानों की याद। तो चलिए सुनते हैं ये गाना कौन सा है और इस हफ्ते कौन सा गाना आपके लिए किया है मैंने सिलेक्ट। Yeah.
अपनी एंट्रीज भेज दी होगी अभी तक, और अगर नहीं भेजी तो कुछ मत सोचो, जो भी दिल में आ रहा है उसको बस बोल दो और रिकॉर्ड करो, और दो मिनट के अंदर अंदर रिकॉर्ड करके हमें भेज दो www.radioudan.com पर जाकर। एक लिंक होगा, वहां पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं और हमें अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं। और आपको पता है ना, इस आर्जेंट में खाली आप आरजे बनने का मौका नहीं जीतेंगे, आप जीतेंगे 11,000 रुपए का कैश और भी बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स। मतलब अब इतना ज्यादा मालामाल होने का समय आ रहा है इस कोरोना काल में, तो क्यों छोड़ रहे हो भाई ये मौका। तो जाओ प्रैक्टिस करो और रिकॉर्ड करो दो मिनट के अंदर अंदर कुछ भी, और हमें भेज दो www.radioudan.com पर जाकर, हमारी वेबसाइट है। सुनते रहो रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हग करके, आई वांट टू से यू, मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी।
तेरी सौ सवारी दो सवारी लड़ लड़ जावे ओ जिस देख दिल मेरा पीछे पीछे पड़ पड़ जावे हे दिन में ये तेरे घर कहीं और गुजरे ये रातें करना जो तुझी दफा पहली बार कर कर जावे ओ मतलब के समझे इशारे ये सारे ये तो नजरों में अपनी उतारे नजारे वो जो सुबह तक ना उतरे हर रात नशा चढ़ता है मुझको कर देना खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना वक्त हो चला है मैं आपको वापस से टाटा बाय बाय कर दूं क्यों क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा जी हाँ थोड़ा होता है ना कि कभी कभी एकदम हम जब मूड में सेट हो जाते हैं फिर जब वो मूड चेंज होने की बात करता है कोई तो ऐसा लगता है अरे क्यों ऑफ कर रहे हो जबरदस्ती लेकिन अभी मुझे जाना होगा क्योंकि अभी नहीं गई तो अगले हफ्ते कैसे आऊंगी है ना बहुत चीजी था लेकिन कोई बात नहीं रख लो आप सुनते रहो हमें रेडियो उड़ान @gmail.com पर जाकर हमें मैसेज करो और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं अभी के लिए मैं विदा लेती हूँ आपसे सुनते रहे रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ अगले हफ्ते मुलाकात होगी सैटरडे रात 8 से 9 सने दोपहर 3 से 4 तब तक ख्याल रखिए अपना और टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड बाय बाय If you have missed out any favorite show of your any favorite RJs, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udaan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udaan, a flight of life. Happy listening! Weather is famous for its metalware which bears its name. और ये famous है यहाँ के किले के लिए भी which sprawls over hundreds of acres. Centuries before the birth of Christ, it was part of the Mauryan Empire.
and subsequently the dynasties which ruled over this place were Shatvahanas, Chalukyas, the Rajkotas and the Kakadiyars. दिल्ली के सुल्तान जो थे मोहम्मद बिन तुगलक ने इस जगह को अपने राज्य का हिस्सा बनाया था एंड ही हैड अपॉइंटेड जनरल्स. इन कोर्स ऑफ द टाइम वो अलग हो गए थे अपने सल्तनत से, दिल्ली सल्तनत से, और अपना खुद का राज बनाया था और स्टार्टिंग ऑफ द बहमनी डायनेस्टी. उस किले के अंदर जो भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं आजकल वो कंस्ट्रक्टेड देन. जो मिडिवियल वर्ल्ड है वहां पे जो था बेदर बहुत ही प्रॉस्परस एक शहर था जो कि इम्प्रेस करता था इवन फॉरेन ट्रेवलर्स को. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट भामरी, लेकर के आया एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो भारतीय किलों का. ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो की है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. और इस शो में हम चर्चा करते हैं किसी नए किले की, किसी नए फोर्ट की, अपने इस शो में हर हफ्ते. और आज के शो में हम चर्चा करेंगे बिदर का किले की. बिल्ट ऑन अ फर्टाइल प्लेटो इन द डेकन, द बिदर फोर्ट जो है हैदराबाद से तकरीबन 135 किलोमीटर दूर पे है और ये किला स्थित है कर्नाटका राज्य में. ये जो है पहले क्वार्टर में बनाया गया था 15वीं शताब्दी के. बनाया था इसको सुल्तान अहमद शाह वली ने, जिन्होंने की अपनी कैपिटल जो है गुलबर्गा से शिफ्ट करके बिदर कर दी थी. दिस प्लेस वॉज कंसिडर्ड एज अ बेटर डिफेंसिव पोजिशन फॉर फ्रॉम द इन्वेडर्स. बिदर रियली वॉज द क्रूसिबल ऑफ हाउ डेक्कन सुल्तनत लाइफ in the region, because it was where the Sultan settled after moving the capital from Gulbarga, and there began to be a flourishing of the arts. Also the whole systems of administration, of statecraft, all developed and were refined in Bidar. इस किले को बनने में तकरीबन 100 साल लग गए थे और ये दर्शाता है अबाउट द टेस्ट ऑफ द बहमनीज. इस जगह में जो है बहमनी सुल्तान्स का जो था राज्य अच्छी तरह चल रहा था, तो इस कारण से जो भी निशान तुगलक की वजह से हुए थे, तुगलक डायनेस्टी की वजह से इस जगह में हुए थे, वो देवर कंप्लीटली वाइप्ड आउट इन द डेक्कन. ईरानियन और सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस जो था इस जगह पे इंक्रीज हुआ था इन द कल्चर ऑफ दिस प्लेस. बहमनीस के बाद उनके एडवाइजर जो थे वो ने अपनी अलग ही यहाँ पे राज किया था एंड दे फाउंडेड द बरी शाही डायनेस्टी. और उन्होंने जो है इस डायनेस्टी जो है तकरीबन 200 साल तक राज किया था इस जगह पे. Till they were vanquished by Aurangzeb. The most significant role in the fort's defenses was played by nature. The fort is built on the highest point on this sprawling plateau. Ramparts on the outer periphery have walls which are 15 meters thick. A deep moat jo hai, jo ki patthar se kaata gaya hai, runs all along the walls. किले में 37 टावर्स हैं जहाँ पे की बड़ी बड़ी तोपें रखी जाती थी टू डिटर द एनिमी. एकदम असंभव बात थी जो कि आप इस मोट को और इन थिक वॉल्स को पार करके किले में घुस पाए. तो लड़ाई के वक्त ये मोट जो था ये पानी से भर दिया जाता था एंड दी वुडन ड्रॉब्रिजेस वर रेज्ड. Bidar Fort for me is a series of variety of experiences. So you see these gates, you have been ceremonious highway, your ego of that visitor is really been pampered. You know, you are really feel something that bhai hum kuch hai, hum jab when you are as a common man, even if you go tomorrow, you feel that you have been a royal welcome there.
किले में 7 बड़े दरवाजे हैं, जिसमें से 3 तो एक ही रो में हैं, एंड विच प्रोवाइड एंट्री टू द इंटीरियर ऑफ द फोर्ट। शारजा दरवाजा जो है वो मेन गेट है, एंड इट इज डेकोरेटेड विद विंडोज, एंड द आउटर वॉल्स हैव नीली और हरी रंग की टाइलें लगी हैं। इस गेट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि चाहे ये मटेरियल मिलिट्री एस्पेक्ट है, लेकिन फिर भी जो कॉस्मोपॉलिटन लुक है उसको ओवरलुक नहीं किया गया था। ये जो एंट्रेंस है वो ऐसे लगता है कि वो आगंतुकों का स्वागत कर रही है। अ लॉन्ग पाथ वाइंड्स इट टू द गुंबद दरवाजा। जो गुंबद दरवाजा जो है वो 45 फीट ऊंचा है और उसकी दीवार जो है 22 फीट चौड़ी है, 22 फीट थिक है। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों गेट के बीच में तकरीबन 3,000 सैनिक जो थे डिप्लॉय किए जाते थे टू प्रोटेक्ट दीज टू फोर्ट टू गेट्स। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दे यूज लोकल मटेरियल विच इज लैटराइट, ब्यूटिफुल लैटराइट एंड रेड ब्रिक्स, सो इट वॉज जेलिंग ऑलमोस्ट विद द सेम प्लेट्यू ऑफ रेड कलर। बिदर की खासियत है, हम तो बचपन में बोलते थे यार बिदर को जाके आया तो पूरा सफेद शर्ट लाल होता था हमारा। द लैंडस्केप इज ग्रीन एंड रेड। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफर लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपए से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी, तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफर लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। जो बेजर का जो किला है, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के बहुत ही बढ़िया मिश्रण है। द मेन सिटेडल एंड द फोर्टिफिकेशन ऑफ द सिटी इज वेरी वेल प्लान्ड। वन एनकाउंटर्स रॉयल पैलेसेस एंड मॉस इन द मेन फोर्ट। रैम्पार्ट के अंदर ही मदरसे और बाजार भी बनाए गए थे। इंजीनियर्स और बिल्डर्स को बुलाया गया था फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड एज वेल एज फॉरेन लैंड्स। यही कारण है कि कितने ही बिल्डिंग्स पे यहाँ ईरानियन और टर्किश इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। ऑल द बिल्डिंग्स आर टेस्टफुली डेकोरेटेड। कुछ जगह पे तो फाइन स्टोर कार्विंग्स एंड झंडास हैं, और कहीं जगह किसी और जगह पे सेम मैजिकल इफेक्ट इज कार्व्ड इन वुड। आप कहीं भी खड़े हो जाएं, वहां पे जो है रिफ्रेशिंग सेंस ऑफ ओपन स्पेस आपको मिल जाएगा, और चाहे वो मस्जिद में हो या वो पैलेसेस में हो। कितने ही स्ट्रक्चर्स अब खंडर में बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये किला जो है एक विजिट के लिए बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। एक विजिट तो आपको जरूर करनी चाहिए इस किले में, चाहे कितनी स्ट्रक्चर्स अब खंडर में बदल गई हो। आई थिंक दे वांटेड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ ए डेवलप्ड सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चरल परसेप्शंस। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक्सप्रेशनिस्ट स्टाइल ऑफ वर्किंग। So you are trying to give the buildings views in perspectives. You have a feast of variety of perspectives. The moment you enter, the main gate is at an inclination. It's a great perspective. The construction of the fort at Bidar is inspired by the Iranian concept of Qila Arq, in which the royal family stays protected by the royal guards in an impregnable citadel, and the rest of the population dwells in an equally well-designed city, beautifully fortified. The Iranian influence is most resplendent at Rangin Mahal, where the walls are decorated with multicolored tiles, creating an illusion that they have been draped in expensive Persian carpets. जैसे ही आप गुंबद दरवाजा से होके गुजरते हैं,
तो रंगीन महल आपको दिखाई देने लग जाता है। जो इस किले की, जो इस महल की बाहरी दीवारें हैं, उस पे बहुत ही रंग बिरंगी टाइलें लगी हुई हैं और ये इसके नाम को पूरी तरह सिद्ध करती हैं। ये जो महल है ओरिजिनली जो था बहमनी सुल्तानों ने बनवाया था, लेकिन 16वीं शताब्दी में अहमद शाह बरीच ने इसको फिर से बनवाया था। ऑल द वॉल्स वर डन एट दिस टाइम। कलरफुल पेंटिंग्स जो इस महल की दीवारों पे लगी हुई हैं, वो बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस देती हैं विजिटर्स को। द पैलेस इज डेकोरेटेड विद कार्व्ड वुडन पिलर्स। दीज वुडन पिलर्स इन द कोर्टयार्ड एंड गैलरी रिमाइंड वन ऑफ द हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। Palace is built in wood, as is the tradition in Maratha architecture, in this incredible brick fortification. So in amongst this very solid fort is this perfectly crafted, very refined wooden Maratha palace with Ottoman style paintings. And it in many ways reflects the multiple cultures that were brought into Bidar. हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं डीजे शेजवुड, आज आपके इस फेवरेट चैनल के ऊपर। रेडियो उड़ा अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, रेडियो उड़ा अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हम चलते चले ये जिंदगी, रुकने का ना नाम है। चलते चलो ये जिंदगी, थमने का नाम है, चलने का नाम है। रेडियो उड़ा अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, रेडियो उड़ा अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार दोस्तों, मैं नूपुर सक्षम से आज आप लोगों के सामने एक नई टेक्सटाइल बुक के विषय में बताना चाहती हूँ, जो बहुत जल्द आपको मिल पाएगी sectech.in पे। इस पुस्तक का नाम है अक्षर और संख्या ज्ञान पुस्तक। जी हाँ, यह पुस्तक आकर्षक स्पर्श रेखा चित्रों के साथ शब्दों को जोड़कर हिंदी भाषा के ज्ञान और शब्दावली को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित की गई है। यह पुस्तक दृष्टि बाधित बच्चों को वर्णमाला, हिंदी स्वरों और व्यंजनों को स्पर्श रेखा चित्रों से जोड़कर सीखने में सक्षम बनाती है। इस पुस्तक में बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में मददगार पूर्व स्कूली विषयों जैसे वर्णमाला, गिनती और 12 खड़ी को शामिल किया गया है, जो इसे हिंदी, ब्रेल लिपि और भाषा सीखने के लिए आसान और महत्वपूर्ण स्पर्श रेखाचित्र पुस्तक बनाती है। इस पुस्तक की कीमत मात्र 580 रुपए है। तो यह पुस्तक आपको बहुत जल्द sectech.in पर मिल सकती है, तो इसलिए आप वहाँ से ये परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इन नंबरों पर 9266-26368 और एक लैंडलाइन नंबर भी है 01142411015। थैंक यू। Iranian architecture and town planning assigned an important place to landscape gardens, and following this tradition, many of the buildings are formed and covering this rectangle Lal Bagh. What kind of the cultural know-how these people, cultural background these people must, because architecture just cannot take place like this. This just, we want to have a lot of money, you have a lot of place and power, and you want to do good architecture, it doesn't happen. You must be culturally very rich. Rajdhani apni Bidar shift karne se takriban 100 saal pehle bani thi 16 khamba masjid. Ye jo hai Tughlaq Sultan ne banayi thi ye masjid. और ऐसा माना जाता है कि ये साउथ इंडिया में सबसे पुरानी मस्जिद है। यही वो जगह थी जहाँ पे की जुम्मे की नमाज अदा की जाती थी। यही वो जगह थी जहाँ पे की बामनी और बरीच शाही सुल्तान जो थे यहाँ पे फंक्शन किया करते थे
सेरेमनीज किया करते थे। With their rich cultural background, they have created wonderful architecture and they have adorned that architecture with a great respect of light that is coming from the top. It's a great gift of the nature, that natural light you can really bring inside the buildings with such a due respect. जो तरकश महल है वो इट इज अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बिल्ट बाय टू मेन बहमनी सुल्तान्स, अहमद शाह द थर्ड और मोहम्मद शाह द थर्ड। द टास्क ऑफ रिपेयरिंग एंड रीबिल्डिंग इट वॉज टेकन बाय द सक्सेसर्स ऑफ देम द बरीज शाही सुल्तान्स। ये जो सुल्तान थे ये टर्की से आए थे और शायद इसी कारण से इस महल का ये नाम दिया गया। Numerous alcoves on its walls give it a unique decorative style. ऊपर वाली मंजिल पे बहुत बड़ा दरवाजा है and an arch, और बहुत सारी arches and skylight, बहुत सारी arch windows and skylight है to bring the natural light inside this complex. It was Ahmad Shah Alwali who shifted the capital of the Bahmanis from Gulbarga to Bidar. The city became famous not only as the political capital of the Bahmanis, but also the cradle of a composite civilization of Deccan. Here in the fort of Bidar, we come across many monuments that have a clear imprint of the Hindu Kakatiya period. Symbols like lotus abound. Ahmad Shah Alwali, a patron of Sufi saint, was himself revered by his people as a peer. तख्त महल जो है वो माना जाता है कि सबसे पुरानी स्ट्रक्चर है इस किले में। इट हैज अ लार्ज कोर्टयार्ड टू द फ्रंट, एक बहुत ही ग्रैंड दरवाजा बनाया गया था फॉर द एंट्रेंस। आज ये महल बिल्कुल ही खंडर हो चुका है, लेकिन फिर भी जो बचा है इस महल में उससे जो है बहुत ही आर्किटेक्चुरल लॉफ्टी आइडियाज दिखाई दे जा सकते हैं। On one side are the ruins of the rooms of the royal family, जबकि दूसरी साइड पे है दीवाने खास। इसी कंपाउंड के अंदर एक पॉन्ड बनाया गया था ऑफ राउंड शेप और साथ में है दो मंजिला हमाम। हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये जो बहुत ही सुंदर महल है इट वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वॉर। You can just imagine, being a person in the architecture field, you can immediately imagine, my God, what cultural richness these people must be having. The romance of Arabian Nights was actually lived in Bidar Fort once upon a time. Ek aur important building jo is kile mein hai, wo hai Diwan-e-Aam. The sultans gave an audience to their subjects here. अगर हम foreign travelers की बात माने तो यहाँ पे जो famous throne था तख्त फिरोजा, it was kept here. और ये तख्त इतना सुंदर था कि दुनिया में और कोई भी तख्त इसको मैच नहीं कर सकता था in artistry and opulence. The दीवाने आम was decorated in a unique manner. रंग बिरंगी टाइलें लगी थी जो कि एक इम्प्रेशन देती थी ऑफ बाउंडेड बुक्स का, इसकी दीवारों पे लगी हुई थी। सिर्फ एक ही दीवार बचती है इस दीवाने आम की आज, द रेस्ट हैव क्रम्बल्ड। देयर इज वन नेम इन द हिस्ट्री ऑफ बीदर दैट इज एब्सोल्युटली अनफॉरगेटेबल एंड दैट इज द नेम ऑफ महमूद गवान। महमूद केम फ्रॉम गिलान टू बीदर एट द एज ऑफ अबाउट 45 टू विजिट सम सूफी सेंट्स हु ड्वेल्ट हियर। He so impressed the Sultan with his talents that he was immediately appointed the Wazir. He served not one, not two, but three Sultans in succession. He was a man of many parts, a truly Renaissance man, a mathematician, a poet, a very brave soldier, and an efficient administrator. He rose quickly through the ranks. His progress made his fellow courtiers very envious, and they conspired to bring about his downfall. They implicated him in a false case of forgery and persuaded the Sultan to order his execution. Bahmani burad mantri agya Mohammad Kawa. Yakshgan is a folk art form of Karnataka.
इस परफॉर्मेंस के अंदर द ट्रेजिक टेल ऑफ महमूद गवा इज परफॉर्म्ड। महमूद जो है उन्होंने तीन सुल्तान को सर्व किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये वही टाइम था जबकि कोर्ट में जो था लोकल डकनी फैक्शन एंड फॉरेन अफगी फैक्शन के बीच में काफी टसल चल रही थी। महमूद बिकेम अ विक्टिम ऑफ इट एंड फेल प्रे टू अ फॉल्स कॉन्स्पिरेसी और सुल्तान ने उनकी मौत का फरमान जारी कर दिया था और इसके बाद ही द डिक्लाइन ऑफ बिदर स्टार्टेड देयर आफ्टर। Mahmud's great desire was to establish in Bidar a world-class university, and he established a Islamic madrasa here that soon became famous as a center for the study of Islamic theology. Mahmud wanted to make the institution truly international and world-class, and he entered into correspondence with all the leading Islamic scholars of his time sitting in Bidar. बिदर में जो मदरसा है इट वॉज बिल्ड बाय महमूद गवा। ये एक रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन थी विद हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स एंड डजन्स ऑफ टीचर्स। द सीट ऑफ लर्निंग वॉज फ्री फ्रॉम सेक्टेरियल डॉगमेंटेशन और सारी दुनिया में ये प्रसिद्ध थी। ईरान से कारीगर लोग मंगाए गए थे, इंजीनियर्स और क्राफ्ट्समैन मंगाए गए थे टू बिल्ड दिस मदरसा। इस्फहान खान और समरकंद में जो बिल्डिंग्स बनती है जिस स्टाइल से बनती है वही स्टाइल यहाँ पे भी यूज किया गया था। बिदर फोर्ट वॉज नेवर मेयरली अ मिलिट्री बिल्डिंग, इट वॉज अ सीट ऑफ लर्निंग एंड कल्चर। ये बहुत आसान काम नहीं है कि पता करना क्यों और किस कारण से डिक्लाइन स्टार्टेड। द राइवल फैक्शंस इन द कोर्ट एंड सम एरोगेंस ऑफ सम सुल्तान्स certainly invited ruin. History never forgives lapses and hubris. If these stones had voice, this lesson would have been heard loud and clear. So, दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड आपके फेवरेट शो भारतीय किलो का। ये शो जो आप सुनते हैं और हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे जो की है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और करते हैं हम हर शो में चर्चा किसी नए किले की। और आज के शो में हमने चर्चा करी थी बिदर के किले की। अगर आप मेरे शो को रिगार्ड्स को फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com यानी कि bhamri.r@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com यानी कि www.radioudan.com पे जाके भी एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर के मेरे साथ अपना फीडबैक भेज सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल जो कि है रेडियो उड़ान वहां पे भी सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन पे हिट करके आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं इन द फ्यूचर। तो दीजिए इजाजत मुझे यानी कि आपके दोस्त आपके उस भामरी को समेटने की। आज का शो मिलूंगा मैं आज से अगले हफ्ते ठीक इसी दिन ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, और करेंगे हम चर्चा उस आने वाले शो में किसी नए किले की किसी नए फोर्ट की। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस। हेलो एवरीवन, किशन बात कर